नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री प्रॉब्लम सेट 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अभी हमें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं मैथ्स के, वो सभी मैं अपलोड कर रहा हूं, तो उनको देखने के लिए आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे और क्लास 9th। अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपको सर्च करना है महेश वलांडे क्लास 9th, तो आपको 9th के सभी जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स इन अ फिगर इज 180 डिग्री देन द फिगर इज अ ट्रायंगल, राइट द कॉर्नर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे कॉर्नर्स लिखना है। अब कॉन्वर्स क्या होता है, देखिए कॉन्वर्स जो होगा वो सिर्फ कंडीशनल जो स्टेटमेंट होते हैं उन्हीं का ही कॉन्वर्स होता है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं वो हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें देखा है। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ के बाद एक स्टेटमेंट रहेगा और देन के बाद एक स्टेटमेंट रहेगा, तो उसका अगर हमें कॉन्वर्स लेना है तो हमें कुछ नहीं करना है, देन के बाद जो स्टेटमेंट था उसे हमें इफ के बाद यहाँ पे लिखना है और यहाँ का जो स्टेटमेंट था वो देन के बाद लिखना है। सिर्फ यही है कॉन्वर्स लिखने की प्रोसीजर। तो एक स्टेटमेंट जो था इफ इफ देर आर क्लाउड्स इन द स्काई देन इट विल बी रेन, देन इट विल रेन, तो इसका कॉन्वर्स क्या होगा, इफ इट इज रेनिंग देन देर आर क्लाउड्स इन द स्काई। तो इसका मतलब अगर बादल होंगे या बादल आएंगे तो बारिश होगी। अभी इस स्टेटमेंट का जो कॉन्वर्स होगा, अगर बारिश होगी तो बादल आएंगे, ये इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स हुआ। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स इन द फिगर इज 180 डिग्री, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स इन द फिगर इज 180 डिग्री, यह इफ के बाद का स्टेटमेंट है और देन के बाद द फिगर इज अ ट्रायंगल। तो द फिगर इज अ ट्रायंगल जो स्टेटमेंट है उसे हमें यहाँ पे लिखना है और यहाँ का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिखना है। तो इफ स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए इफ द फिगर इज अ ट्रायंगल, इफ द फिगर इज अ ट्रायंगल, अगर फिगर ट्रायंगल है तो देन तो क्या होगा, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स इन द फिगर इज 180 डिग्री देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स, सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स इन द फिगर इज 180 डिग्री, ये होगा दिए गए स्टेटमेंट का कॉन्वर्स। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ टू मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, यह इफ के बाद का जो स्टेटमेंट है वो, और देन के बाद जो है वो दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, यहाँ पे ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, तो दोनों एंगल जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब देखिए जो इफ के बाद जो पार्ट होता है, इफ के बाद यहाँ पे जो पार्ट है और देन के जो बाद पार्ट है, इनको नेम्स हैं। अब इफ के बाद जो पार्ट होता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं और जो देन के बाद पार्ट रहेगा उसे हम कंसीक्वेंट कहते हैं।
तो इसे हमें लिखना है एंटीसीडेंट। अब देखिए ये जो इफ के बाद जो पार्ट है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, इसे हम लिखेंगे एंटीसीडेंट। और ये जो पार्ट है उसे हम कहते हैं कंसिक्वेंट, CONSEQUENT, ये कंसिक्वेंट और ये है एंटीसीडेंट। तो जो कॉन्वर्स होगा उसमें एंटीसीडेंट कंसिक्वेंट होगा और जो कंसिक्वेंट होगा वो एंटीसीडेंट होगा कॉन्वर्स में। अब किसी भी स्टेटमेंट का कॉन्वर्स हम लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड जो स्टेटमेंट है इसका कॉन्वर्स इफ, यहाँ पे इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इच अदर, दे आर मतलब ये जो दो एंगल्स हैं सम ऑफ द टू एंगल्स, तो इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इच अदर, अगर दो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो यहाँ पे कॉमन लेना है, तो देन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन द सम ऑफ द टू एंगल्स मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री हमें यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो देखिए, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल आर ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर कॉन्ग्रंट, देन यहाँ पे देन है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब देखिए, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर कॉन्ग्रंट, तो यहाँ तक एंटीसीडेंट है। द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर कॉन्ग्रंट, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, तो टू लाइंस आर पैरेलल यह कंसिक्वेंट है। तो अगर इस स्टेटमेंट का बिना विचार किए अगर हमें कॉन्वर्स ही लिखना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इफ लिखकर यहाँ का स्टेटमेंट लिखते हैं टू लाइंस आर पैरेलल, तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन यहाँ पे कॉमा, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर कॉन्ग्रेंट, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर कॉन्ग्रंट, CONGRUENT। अभी स्टेटमेंट का क्या अर्थ है देखिए, इसका जो मीनिंग है इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर कॉन्ग्रंट, अगर दो लाइंस हैं उनमें कोई एक ट्रांसवर्सल है और यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, अगर ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। और उसका जो कॉन्वर्स स्टेटमेंट क्या है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रांसवर्सल यहाँ पे फॉर्म करने वाली है वो दो एंगल्स यहाँ पे इक्वल होंगे, ये उसका कॉन्वर्स है। और ये स्टेटमेंट और उसका कॉन्वर्स ये दोनों भी ट्रू हैं, दोनों भी सही है, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते ही हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो दो लाइंस यहाँ पे पैरेलल होती ही हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन के बाद द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो जो इसका कॉन्वर्स होगा इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 कॉमा, फिर उसके बाद देन, देन क्या होगा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द
sum of the digits of a number is divisible by 3. तो अगर कोई यहाँ पे नंबर दिया गया है 3752, इस नंबर में जितने डिजिट्स हैं 3 + 7 = 10, 10 + 5 = 15 + 2 = 17, अगर इस सम को 3 से डिवाइड होगा तो इस नंबर को भी डिवाइड होगा, ये यहाँ पे स्टेटमेंट है. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर नंबर में जितने डिजिट्स हैं उनकी सम को 3 से डिवाइड होता है देन तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो इस नंबर को भी 3 से डिवाइड होगा. अब इसका कॉन्वर्स क्या होगा, अगर इस नंबर को डिवाइड होगा तो इन इस नंबर के जो जितने डिजिट्स हैं उनकी सम को भी 3 से डिवाइड होगा. तो यही कॉन्वर्स हमें यहाँ पर लिखना है जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं उनसे. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए नेक्स्ट. राइट द एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट हमें लिखने हैं. अब देखिए यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या होगा, इफ के बाद जो पार्ट है वो हमें एंटीसीडेंट. अब हम यहाँ पे एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे. फर्स्ट एंटीसीडेंट, इफ के बाद जो पार्ट होता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो देन के बाद पार्ट रहेगा उसे हम कहते हैं कंसिक्वेंट. तो ये होगा एंटीसीडेंट और ये रहेगा कंसिक्वेंट. अब आपको यहाँ पे एंटीसीडेंट लिखकर यहाँ पे यह स्टेटमेंट लिखना है और यहाँ पे कंसिक्वेंट लिखकर यह स्टेटमेंट लिखना है. अब सवाल आता है दूसरे क्वेश्चन के लिए. द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अब यहाँ पे इफ भी नहीं दिया है और देन भी नहीं दिया है, तो इस स्टेटमेंट को जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था इफ और देन का यूज करके, मतलब कंडीशनल फॉर्म में इस स्टेटमेंट को लिखना है. तो कंडीशनल फॉर्म में कैसे होगा, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट होते हैं. अब ये सभी प्रॉपर्टी जो हैं क्वाड्रिलेटरल की पैरेललोग्राम्स की सभी, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले ही हैं. तो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसका मतलब इफ द क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है देन इट्स डायगोनल्स, देन इट्स डायगोनल्स, तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर. अब जो हमें एंटीसीडेंट लिखना है, देखिए द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये जो पार्ट होगा वो होगा एंटीसीडेंट, और देन के बाद जो पार्ट है इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल उसे हम कहेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम या फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये होगा कंसिक्वेंट. CONSEQUENT, ये कंसिक्वेंट है और ये एंटीसीडेंट है. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10. अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. ड्रॉ लेबल्ड फिगर शोइंग इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट द एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट. दिए गए स्टेटमेंट्स में लेबल्ड डायग्राम जो है वो हमें ड्रॉ करना है और एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट हमें लिखना है. फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो यहाँ पे इफ और देन नहीं दिया है, यह कंडीशनल फॉर्म में नहीं दिया है, तो इसे हमें कंडीशनल फॉर्म में लिखना होगा. अब ये कैसे होगा, टू
इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, तो पहले उन ट्रायंगल को इक्विलैटरल होना चाहिए तो वो सिमिलर होंगे। तो इफ द ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब जो स्टेटमेंट होगा उसका कंडीशनल फॉर्म पहले हमें लिखना है। अब कंडीशनल फॉर्म कैसे होगा, इफ द ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल। अब इक्विलैटरल क्या होते हैं, जिस ट्रायंगल में दोनों या सभी साइड्स इक्वल होते हैं उस ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इफ द ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल देन, अब यहाँ पे कॉमा और देन, इक्विलैटरल के बाद कॉमा, देन दे आर सिमिलर। दे का मतलब ट्रायंगल्स आर सिमिलर, या फिर देन दी ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब जब आप एग्जाम में कोई अगर लिख रहा है तो दी ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल, यह जो स्टेटमेंट है उसे हमें यहाँ पे लिखना है। कंसी सॉरी एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट की स्पेलिंग है एंटीसीडेंट, यहाँ पे यह स्टेटमेंट लिखना है, दी ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल। और फिर यहाँ पे हमें लिखना है कंसिक्वेंट, और उसके बाद जो स्टेटमेंट है द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इन दोनों स्टेटमेंट्स को यहाँ पे लिखना है। द ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल और फिर द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब इन स्टेटमेंट्स को देखिए, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट तो हमने लिख लिया है, अब हमें लेबल्ड फिगर ड्रॉ करनी है और जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो इफ और देन का जो स्टेटमेंट है उसका यूज़ करके हमें यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को लिखना है। अब देखिए कैसे लिखना है, ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल, अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेने हैं, तो दो ट्रायंगल्स अगर इक्विलैटरल हैं, इक्विलैटरल का मतलब होता है सभी साइड्स इक्वल, तो सपोज ट्रायंगल ए बी सी ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, यहाँ पे ये पी क्यू आर, और ये दो ट्रायंगल्स इक्विलैटरल हैं, तो यहाँ पे इन तीनों साइड्स को इक्वल और यहाँ पे इन तीनों साइड्स को इक्वल हमें लेबल्ड फिगर शोइंग इन्फॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आनी चाहिए। अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स इक्विलैटरल हैं, सभी साइड्स इक्वल, यहाँ पे भी सभी साइड्स इक्वल, तो वो सिमिलर होते हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जो सिंबल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए कोई यहाँ पे सिंबल नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर इक्विलैटरल देन दे आर सिमिलर। अब जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके सिंबल देखिए, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये हुआ सिंबल का यूज करके लिखना। अब देखिए स्टेटमेंट कैसे होगा, इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर इक्विलैटरल, अगर ये दो ट्रायंगल्स इक्विलैटरल हैं तो देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ते हैं या ऐसे सिंबॉलिकली भी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सिमिलर ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी वर्ड्स में, अगर इसे ही हम समझ लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए, इफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए लीनियर पेयर में जो एंगल्स हैं वो अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो देन ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल, देन के बाद का यह पार्ट है और इफ के बाद जो पार्ट है वो यहाँ तक है। इफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमें एंटीसीडेंट जो लिखना है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए वो लिखना है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट।
angles in a linear pair are congruent. अब देखिए यहाँ पे दो एंगल्स हैं लीनियर पेयर में और ये दोनों भी इक्वल हैं, तो लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं उनके एडिशन 180 डिग्री होती है, तो दोनों अगर सेम हैं तो 90 डिग्री के होंगे. कॉन्ग्रंट का मतलब इक्वल, मेजरमेंट है तो इक्वल, डायग्राम है तो सेम, कॉन्ग्रंट का मतलब होता है. तो ये डायग्राम भी हैं और मेजरमेंट्स भी हैं, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, उनका मेजरमेंट भी इक्वल हो जाएगा. तो ये हुआ एंटीसीडेंट. अब कंसिक्वेंट, कंसिक्वेंट क्या होगा, ईच ऑफ देम इज राइट एंगल, तो बोथ आर राइट एंगल, दोनों भी राइट एंगल्स हैं. अब इन्हें हमें सिंबल का यूज करके लिखना है, तो देखिए डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, लेबल डायग्राम. तो ये देखिए यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी. इफ एंगल ए सी बी एंड ए सी डी आर इन लीनियर पेयर, हमें ऐसे लिखना है, या फिर एंगल्स इन लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रंट कहा है, तो एंगल ए बी सी, ए सी बी यहाँ पे लिखना है. अब इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे. इफ एंगल ए बी, ए सी बी एंड एंगल ए सी डी आर इन लीनियर पेयर, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर में हैं, एंड और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों एंगल लीनियर पेयर में भी हैं और इक्वल भी हैं, एंड एंगल ए बी, ए सी बी, यहाँ पे ए सी बी कॉन्ग्रंट टू एंगल ए सी डी, तो देन दे आर राइट एंगल्स. अब राइट एंगल को हमें कैसे लिखना है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट 90 डिग्री को इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हो जाएंगे. इस तरीके से हमें डायग्राम का यहाँ पे यूज करके इसी स्टेटमेंट को लिखना है. अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ द अल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रंट, देन दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रंट. अब देखिए इफ के बाद का जो पार्ट है वो हमें लिखना है एंटीसीडेंट, यहाँ तक है, तो इसे हम अभी नहीं लिखने वाले यहाँ पे, डायरेक्टली हम इसे एंटीसीडेंट यहाँ पे लिख देते हैं. और देन के बाद जो पार्ट है वो होगा कंसिक्वेंट, सी ओ एन ए सी क्यू यू ई एन टी. अब रह गई जो बात है वो डायग्राम ड्रॉ करना है और लेबल करना है, लेबल के साथ उन्हें लिखना है. इफ द अल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रंट, ये क्या होता है, देखिए अगर कोई ट्रायंगल है, अल्टीट्यूड क्या होती है, देखिए किसी भी ट्रायंगल में सपोज यहाँ एक ट्रायंगल है, इस साइड को अगर हम इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाती है अल्टीट्यूड. तो ट्रायंगल सपोज ए बी सी है जिसमें सी से लेकर ए बी को सपोज सी डी, ये अल्टीट्यूड है, और ए सी को सपोज बी से एक अल्टीट्यूड है बी ई. अगर यह दो अल्टीट्यूड्स इक्वल हो जाती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये दो साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, यह स्टेटमेंट का कहना है और ये सही भी है, इसे हम आगे जाके प्रूव करेंगे अगले आने वाले चैप्टर्स में. तो अभी हमें सिंबल का यूज करके लिखना है, तो ये हमें पूरी जानकारी यहाँ पे देनी होगी, क्या लिखना है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इस ट्रायंगल में सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी. यह जो सिंबल है वो परपेंडिकुलर का, यहाँ पे भी सिंबल जो है वो
परपेंडिकुलर का, और ये जो लाइन है डी पॉइंट यहाँ इधर कहीं पे नहीं है, ए बी, ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसी के ऊपर डी पॉइंट है, यह हमें लिखने के लिए ए डी बी इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर लिखना होगा, तो उसे हमें लिखना है पॉइंट्स ए डी बी आर कोलिनियर एंड पॉइंट ए ई सी आर अल्सो, पॉइंट्स ए ई सी आर अल्सो कॉन्ग्रंट, सॉरी कॉन्ग्रंट नहीं कॉन्करंट, एक ही लाइन पे हैं तो उन्हें हम कॉन्करंट भी नहीं कहते, उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं और यह भी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर हैं। तो ये तो बात हो गई, ये दोनों अभी अल्टीट्यूड्स हो गए सी डी और बी। तो इसके बाद हमें लिखना है इफ अगर सी डी एंड बी ई कॉन्ग्रंट होते हैं, सी डी कॉन्ग्रंट टू बी ई, देन द टू साइड्स आर कॉन्ग्रंट, देन उसके बाद ए बी और ए सी कॉन्ग्रंट होने वाले हैं, तो ए बी इज कॉन्ग्रंट टू ए सी, ऐसे हमें यहाँ पर लिखना है। सी डी और बी क्या हैं, परपेंडिकुलर्स हैं, ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के वर्टेक्स से अल्टीट्यूड्स ड्रॉ की गई हैं और ये दो अल्टीट्यूड जो हैं वो कॉन्ग्रंट हैं, ये दो अल्टीट्यूड्स अगर कॉन्ग्रंट हैं तो दो साइड्स जो हैं ए बी और ए सी यह भी कॉन्ग्रंट यहाँ पे हो जाएंगे। तो इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 1 है वो यहीं पे समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 2 जो है ज्योमेट्री का क्लास 9th का, वो भी 3-4 लेक्चर से उसके अपलोड हो चुके हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 2 के सभी जो रिमेनिंग वीडियोस हैं वो हम अपलोड करेंगे। तो थैंक यू।